तो आपका जो है सिर्फ फिश को अट्रैक्टिव नहीं होना है, बल्कि फिश को इस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी वो अपना जो स्ट्रेस है वो मिनिमाइज करते हुए वो उस ट्रांसपोर्टेशन को विस्टैंड कर सके, आराम से झेल सके और उसकी क्वालिटी पे कुछ ज्यादा फर्क ना हो, उसका डिटोरिएट ना करे, वो हेल्दी दिखे, ठीक है, मॉर्टेलिटी ना हो। तो इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है कुछ कुछ बातें हमें ध्यान में रखने लायक है, ठीक है। द फ्राइट कॉस्ट ऑफ द फिश कंसाइनमेंट, मतलब जो आपका जो भाड़ा, जो आपका जो फिश का कंसाइनमेंट जाता है उसका कंप्लीटली जो भाड़ा का जो कॉस्ट हो, मतलब एक तरह से कहिए वो जो है मेजर कंसर्न है एक तरह से। ऑर्नामेंटल फिश बिजनेस आप करने जा रहे हो, पॉलिथिन बैग यूज कर रहे हो, बट स्टिल जो है आप किस तरीके से आपका जो पूरा कंसाइनमेंट जाता है उसका कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, वो हेल्दी आपका सेल होता है कि नहीं, पूरा प्रॉफिट आपका निकलता है कि नहीं उससे, ये सारी चीजें गौर करने लायक है। फॉर कंसाइनमेंट, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एशिया टू यूएसए या अदर फॉरेन कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि शिपिंग कॉस्ट जो होता है फिश के कंसाइनमेंट कॉस्ट से भी हायर चला जाता है, ठीक है। इसलिए आजकल जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी पैकेजिंग का जो है वो अपनाया जा रहा है ताकि जो है फिशेस को भी स्ट्रेस ना हो सके, वो लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट किए जा सके, उसके हेल्थ पे भी इफेक्ट ना हो और आपका कॉस्ट भी ज्यादा ना जाए, ठीक है। इसलिए पॉली बैग्स वगैरह जो है उसमें और भी तरह के जो डेवलपमेंट है वो किए जा रहे हैं, ठीक है, थर्मोकॉल में डाल करके पॉली बैग्स का आइस पैकेजिंग करके, किस बहुत सारे वे में, अगर लाइव फिश जा रही है या फिर आपके फिलेट फॉर्म में जा रहा है, प्रोसेसिंग भी जा रहा है, जैसे लाइक बहुत सारे फिलेट्स वगैरह भी जाते हैं आप प्रोसेस करके भेज रहे हो फॉरेन कंट्री में, तो सबका एक तरीका है पैकेजिंग का, ठीक है। और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो पैकेजिंग की वो आपका अपनाया जा रहा है एयरपोर्ट के थ्रू, ताकि जो लंबा दूरी है वो कम समय में हम ट्रैवल कर सके और फिश को ज्यादा स्ट्रेस ना हो, और एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम फिश डेंसिटी को, क्योंकि कम टाइम में हम जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचा पा रहे हैं, तो इस वजह से हम डेंसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं और सर्वाइबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है वो भी रिड्यूस हो रहा है अगर हम वाया एयरवेज भेजते हैं तो, ठीक है। फोर जो मेजर रीजन है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द एक्वेटिक एनिमल, क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि हम फ्राई या जुवेनाइल्स जो है डिफरेंट फार्म से, नेचुरल इन्वायरमेंट से डिफरेंट फार्म तक स्टॉक कर सकें, ब्रूड स्टॉक को जो है मैनेजमेंट पर्पस के लिए इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है, लाइव स्टॉक को मार्केट तक पहुंचाने के लिए मूवमेंट करना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन करना जरूरी है, ठीक है। फिर या फिर आप रिसर्च पर्पस, फॉर एग्जांपल बहुत सारे जैसे हम ही लोगों का रिसर्च वर्क होता है पीएचडी या मास्टर्स लेवल पे, तो हमें फिशेस जो होती हैं डिफरेंट फार्मर से मिलती है, तो कई बार जैसे मेरी खुद की फिश जो है, जैसे आपका एक मिनट, किसी का कोई क्वेरीज है क्या, नहीं ना, ओके। तो जैसे कि मेरी खुद की फिशेस जो थी वो मदुरई तमिलनाडु से आई थी वाया एयरपोर्ट, एयरवेज के थ्रू जो है फिशेस जो है लाई गई थी, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है किया जाता है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है, क्या क्या चीजें जो हमें ध्यान देने लायक बातें हैं जिनको गौर करनी चाहिए। ऑर्नामेंटल फिश जो है मेंट फॉर स्टॉकिंग और सेल नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लाइव कंडीशन, ऑब्वियसली जब हम स्टॉक कर रहे हैं या सेल भी कर रहे हैं क्योंकि लाइव फिशेस का ज्यादा डिमांड है, तो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। मेजर जो इसमें कंसर्न है जो हमें ध्यान देने लायक है ट्रांसपोर्टेशन में है, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ द हैंडलिंग स्ट्रेस, जब हम उसको हैंडल करते हैं तो उस दौरान जो स्ट्रेस आता है उसको कैसे मिनिमाइज कर सके। मैकेनिकल आपका नेटिंग कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे हैं, देन पैकेजिंग कर रहे हैं, उस दौरान जो चोटें लग सकती हैं, मैकेनिकल शॉक लग सकता है, ठीक है, जो साउंड है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, व्हीकल के दौरान जो उसको ट्रांसफर करते समय जो इंजरीज पड़ सकती है, तो वो जो मैकेनिकल शॉक है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, पोटेंशियल हीट स्ट्रेस, और जो वाटर क्वालिटी डिटोरिएट करता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, जो हम पानी उसमें डालते हैं, जिस पानी में उसको मतलब लेकर के भेजते हैं, तो वो पानी का जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट करता है, इन सब चीजों को गौर करने लायक है क्योंकि यही सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। द मेटाबॉलिज्म ऑफ द एनिमल विल अफेक्ट द वाटर केमिस्ट्री, क्योंकि जो है आपकी जो फिशेज है जब भी फिशेज स्ट्रेस में आएगी
तो वो ज्यादा से ज्यादा फीकल मैटर जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और वो फिर फिकल मैटर जो है आपका क्या करेगा, वाटर केमिस्ट्री यानी वाटर जी क्वालिटी है उसको जो है, क्योंकि आप जो है आइदर पॉली बैग पहले तो हांडी वगैरह में लेके जाते थे स्मॉल डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अभी क्या है कि पॉली बैग्स वगैरह चाहे स्मॉल डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस है हो, उसके लिए पॉली बैग्स में लेके जाते हैं, तो उसमें जो भी वाटर है, ठीक है, ये क्योंकि स्ट्रेस में आने की वजह से वो ज्यादा फीकल मैटर प्रोड्यूस करती है, तो ये वाटर क्वालिटी को जो है क्लोज इन्वायरमेंट में है कंप्लीटली पॉली बैग्स में, तो उसको डिटोरिएट करती है, ठीक है। और ये डिटोरिएशन, वाटर क्वालिटी डिटोरिएशन की वजह से जो फिश है उसकी फिजियोलॉजी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को जो है आपको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट करते हुए आपको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, और खासकर जो वाटर क्वालिटी जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि पॉली बैग में ऐसे ही डाल दिया और ट्रांसपोर्ट, पानी तो डालना है, ऑक्सीजन डालना है, तो आपका वो पानी का क्वालिटी जो है मेंटेन रह सके उसमें क्या क्या बातें गौर करने लायक है, उन सब चीजों को हम इस प्रेजेंटेशन में जो है देखेंगे, ठीक है। पहला पहले देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें गौर करनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग के पहले, जो क्या क्या स्ट्रेस है, कंडीशन है जो फिशेज में स्ट्रेस क्रिएट करती है, उसकी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा समझेंगे। हैंडलिंग, जब भी आपको याद होगा कि जब हम किशनगंज गए थे वहां पे जो फार्मर्स था, स्टेट डिपार्टमेंट का जो पॉन्ड था वहां पे नेटिंग जो हुई थी, मैं बार बार बोल रही थी स्टूडेंट्स को कि आप लोग अपने हाथ में कम हैंडल कीजिए, आप लोगों ने जोर से पकड़ रखा, एक्साइटमेंट था आपका, आप फिशेस को हैंडल कर रहे थे अपने हाथ से, एक से दूसरे और जोर से पकड़े हुए थे, वो क्या कर रहा था अननेसेसरी, वो जो है आपका, ठीक है आपका एक्साइटमेंट है, लेकिन आपका अगर आप ऐसे किसी और फार्म में जाते ना, फार्मर आपको टच नहीं करने देते क्योंकि वो स्ट्रेस और ज्यादा क्रिएट करता है। तो हम कोशिश करते हैं, और क्योंकि हम जब कैच कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान तो हैंडलिंग होगी, तो कोशिश रहती है कि मिनिमम हैंडलिंग हो सके, क्योंकि वो हैंडलिंग जो है एक नेसेसरी चीज है, वो होना ही है, लेकिन अगर मिनिमम करेंगे तो क्या होगा, वो फिशेस को कम से कम स्ट्रेस पहुंचाएगी, बिकॉज ना हैंडलिंग क्या है, मैकेनिकल एब्रेशन स्ट्रेस, और फिश को जो है वो एग्जॉस्ट कर देती है और ज्यादा स्ट्रेस में ला देती है। तो हम कोशिश करते हैं खासकर हैंड के थ्रू हैंडलिंग करना तो बहुत ही कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि नेट के थ्रू या जो है उसको हैंडल करें और मिनिमम हैंडलिंग हो सके ताकि वो स्ट्रेस में कम आ सके, क्योंकि जितना स्ट्रेस में आएगी उसकी वहां जो डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते वो और ज्यादा स्ट्रेस में आके मॉर्टेलिटी हो सकती है। तो जितना स्ट्रेस कम करेंगे तो हैंडलिंग भी कम करना होगा ताकि स्ट्रेस भी कम हो सके, ठीक है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हैंडलिंग के दौरान जो है आपका जो है स्केल लॉस होता है, और स्केल लॉस तभी लॉस हो सकता है जब वहां का स्पेशली पर्टिकुलरली उस जगह जो एपिडर्मिस है, ठीक है, जो बॉडी का सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस, वहां ऑलरेडी से डैमेज हो चुका होगा तभी तो, क्योंकि स्केल जो है वो एपिडर्मिस में अटैच्ड है, तो उस जगह का एपिडर्मिस ऑलरेडी जो है डैमेज हो चुका है तभी तो वो स्केल को छोड़ रहा है उस जगह से, तो ऑलरेडी मतलब स्केल लॉस हो चुका है, दैट मीन्स कि उस जगह का जो एपिडर्मिस है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, इसलिए वो स्केल जो है शेडिंग कर रहा है, ठीक है। और ये जो आपके हैंडलिंग के दौरान ये सारी चीजें देखने को मिलती है, स्केल लॉस होना, इपिडर्मिस का डैमेज होना, तो इपिडर्मिस जैसे ही डैमेज हो गया तो उसके ऊपर म्यूकस वगैरह का कवरिंग हो जाता है, म्यूकस ज्यादा सिक्रीट करेगा, स्लाइमी स्लाइमी लगेगा, तो ये सब क्या करता है, पैथोजिन और जो है उसको न्योता देता है और अलाउ करता है कि उसमें जो है और प्रॉब्लम, क्योंकि ये किसी तरह का डैमेज होगा बॉडी में तो उसके थ्रू उसको एक रास्ता मिल गया है बॉडी के अंदर जाने का, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हैंडलिंग जो है कम से कम हो, और क्या हैंडलिंग में ध्यान देने लायक है, गुड क्वालिटी के नॉटलेस नॉट वाले जो नेट्स हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके एपिडर्मिस को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो नॉटलेस टाइप के नेट हो, कंटेनर्स, अदर मटेरियल ना इस तरीके से कैप्चर करते समय, कलेक्ट करते समय, पैकेजिंग करते समय, इन सब चीजों का अच्छी क्वालिटी का नेट यूज करना चाहिए, ताकि हैंडलिंग कम करना चाहिए ताकि उसको स्ट्रेस कम हो सके, ठीक है। इट शुड बी डन विथ पेशेंस, हड़बड़ा के कोई चीज नहीं, एकदम अस्थिर से धीरे धीरे, मतलब ज्यादा धीरे भी नहीं, वरना इट विल टेक टाइम, ठीक है, लेकिन आराम तरीके से सेफ हैंडलिंग के साथ ताकि मिनिमम मॉर्टेलिटी हो सके, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए।
नाउ दूसरा क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेस, जो हमें गौर करने लायक है. ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, बहुत तरह का, आपने कंटेनर डाला, आपका जो है जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है वो मूव करेगा, उसकी वजह से वाटर में थोड़ा वाइब्रेशन होना, सडन शॉक होना, कहीं पे ज्यादा गड्ढे हो गए तो उसको शॉक लग गया. होता है ना, गाड़ी तो हमेशा एक जो जो भी ट्रैवल कर रही है, गड्ढे भी तो आएंगे, तो सडन उसको शॉक भी तो लगेगा. और जो व्हीकल का जो नॉइज है, ये सारी चीजें क्या करती है, मैकेनिकल स्ट्रेस कॉज करती है फिशेज में. ठीक है, तो आप इसको कोशिश करोगे कि उसको ऐसे नहीं कि बहुत स्पीड में लेके जा रहे हो, अगर रास्ता खराब है तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए कि ताकि उसको मैकेनिकल स्ट्रेस कम हो, उस हिसाब से आपको चलाना चाहिए व्हीकल वगैरह. ठीक है, नाउ थर्ड इज द टेम्परेचर. ठीक है, ऑर्नामेंटल फिशेस जो है फूड फिशेस के कंपैरिजन में स्मॉलर इन साइज होते हैं. जनरली जो हम भेजते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वो स्मॉल साइज ही भेजते हैं. दे आर वेरी सेंसिटिव टू द वाटर टेम्परेचर. ठीक है, और टेम्परेचर आपको पहले भी पता है कि वो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है. हाई टेम्परेचर में आपका मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इंक्रीज करता है. तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, वाटर टेम्परेचर जो है वो आपका जो स्टार्टिंग टेम्परेचर जिसमें आपने पैकेजिंग कर रखी है, जितना उसका वाटर टेम्परेचर, उससे अबव ना जाए. क्योंकि आपका क्या है, पॉन्ड में तो आपका पानी बहुत ह्यूज अमाउंट में रहता है, लेकिन जब आप पॉली बैग में डाल रहे हो या हांडी में, एल्यूमिनियम हांडी में डाल रहे हो या किसी में अदर कंटेनर में डाल रहे हो, तो उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, तो उसका टेम्परेचर तुरंत राइज हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान. ठीक है, तो कोशिश हमेशा ये रहना चाहिए कि जो है वो हाई ना हो. ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आइस जो है कंटेनर के चारों साइड जो है आइस वगैरह ऐड करते रहते हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाए. ठीक है, इट शुड नॉट बी ड्रॉप मोर देन 5 degrees per hour. जनरली टेम्परेचर डिफरेंस 1-2 degrees का जो है दे कैन टॉलरेट, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर अगर डाउन हो गया या अबव हो गया तो दैट विल क्रिएट द स्ट्रेस टू देम. ठीक है, फॉर ट्रॉपिकल फिश क्या कहा जाता है कि टेम्परेचर शुड बी ब्रॉट डाउन टू 15-18 degrees centigrade. और कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान थोड़ा बहुत सॉल्ट भी ऐड करते हैं. ठीक है, ताकि जो है आपका टेम्परेचर मेंटेन रह सके, आपका जो उसमें किसी तरह का डिजीज पैथोजन वगैरह जो है वो प्रॉब्लम ना कर सके. सॉल्ट वगैरह तो ऐसे भी आपका कोई डिजीज में, पहले कोई भी डिजीज होता है स्किन से रिलेटेड या अल्सर वगैरह होता है तो सॉल्ट ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अमाउंट जो है 0.2-0.3% जो है सॉल्ट ऐड किया जाता है. इंसुलेटेड कंटेनर जो है लाइक स्टायरोफोम बॉक्सेस जिसमें आपका जो है वाइड स्प्रेड हो, वो इफेक्टिव माना गया है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जो है ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है. तो स्टायरोफोम जो है आपके जो क्या थर्मोकॉल के जो बॉक्सेस होते हैं, उस तरह के बॉक्सेस में भी जो है स्टायरोफोम के बने हुए बॉक्सेस, उसमें जो है प्लास्टिक कंटेनर वगैरह जो है, सॉरी हाँ, ये पॉली बैग्स जो है ये सब डाल करके ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ताकि टेम्परेचर का वेरिएशन ना हो ज्यादा. टेम्परेचर रिडक्शन लोअर द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द फिशेस एंड दस प्रिवेंट स्ट्रेस. अगर टेम्परेचर रिडक्ट करते हैं ज्यादा नहीं, मोर नॉट मोर देन 5 degrees centigrade. ठीक है, अगर मान लो 20 degrees centigrade उसका टेम्परेचर है तो आपको 18, 19, 17 लाइक इस टाइप के टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो, लोअर कर सकते हो, क्योंकि लोअर टेम्परेचर करोगे तो थोड़ा मेटाबॉलिक रेट कम होगा और उसको स्ट्रेस कम होगा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, लेकिन हाई नहीं होनी चाहिए और लो भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपका ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो फिर उसके बॉडी को अडेप्टेशन में बहुत टाइम लगेगा और ऑलरेडी वो ट्रांसपोर्टेशन में स्ट्रेस में है, फिर टेम्परेचर शॉक ना हो जाए उसकी वजह से और वो स्ट्रेस में आ जाएगी, फिर मोर्टेलिटी होगी. ठीक है, नाउ फोर्थ जो गौर करने लायक बात है, दैट इज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द फर्स्ट लिमिटिंग कंपाउंड ऑफ द एक्वाटिक एनवायरनमेंट अदर देन वाटर इटसेल्फ. आपका जो है वाटर क्वालिटी को तो ध्यान में रखना ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि आपका उसमें जो है लिमिटेड स्पेस है तो उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना अमाउंट करना है, क्योंकि आपका जो है ऑक्सीजन जो है उसके लिए आपकी बहुत सारी चीजें जो है रेस्पिरेटरी रेट जो है कंप्लीटली ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, और आपका जो सेवरल फैक्टर्स जो है आपके रेस्पिरेटरी रेट जो है फिशेस की उसको जो है अफेक्ट करती है, जैसे स्ट्रेस हो गया, टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया, बॉडी वेट कितना है, फीड लेवल कितना है, फीडिंग लेवल कितना दिया है आपने, ये सारी चीजें जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन को डिटरमाइन करती है. ठीक है,
आपकी कितनी स्टॉकिंग, आपने कितना स्टॉक कर रखा है उस पॉली बैग में, कितना नंबर ऑफ फिशेस जो है डाल रखा है, क्योंकि उस हिसाब से ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। जनरली आगे चल के आपको बताएंगे, जैसे कि आपका 1/3 जो है पॉली बैग में 1/3 वाटर रखते हैं, 2/3 ऑक्सीजन लेवल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कंजप्शन विल बी हाई ड्यूरिंग अर्लियर पार्ट ऑफ द जर्नी ड्यू टू इनिशियल स्ट्रेस, क्योंकि आपका जो है जब आप फिशेस को कैच कर रहे हो, उसको कंडीशनिंग कर रहे हो और उसके बाद फिर उसकी पैकेजिंग करोगे, तो इनिशियली उसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा। लेटर क्या होगा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में एक ही स्टेट में वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है, उसका हार्वेस्ट किया जा रहा है, हैंडलिंग किया जा रहा है, कंडीशनिंग किया जा रहा है, तो बहुत सारे स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं, तो उसमें इनिशियली उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा वो मेटाबॉलिक रेट उतना ज्यादा हाई भी होगा, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज जो है उसकी मेटाबॉलिक रेट को ज्यादा इनिशिएट करेगी, तो ऑक्सीजन कंजप्शन भी उसका हाई होता है, ठीक है। एंड दिस पीरियड पर्टिकुलरली मस्ट बी केयरफुल्ली मैनेज, इसलिए जब इनिशियली जो बहुत इनिशियल जो ये सारे स्टेप को वो फॉलो करते हुए आएगा, तो इसमें बहुत सारे स्ट्रेस होने की वजह से वो ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा करेगा, तो इस समय हमें केयरफुली जो है मैनेजमेंट करना चाहिए ऑक्सीजन का, कि ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम हो जाए उसके लिए। फीडिंग जो कहते हैं, हम जो फीड देते हैं वो मेटाबोलिज्म को इंक्रीज करता है ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। एन इफेक्ट नोन एज स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन SDA, SDA मतलब हो गया कि वॉट एवर अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल जो भी हम फीड खा रहे हैं, ठीक है, फीड फिशेस को दे रहे हैं, फीड खा रही है, तो उसका एनर्जी तो वो जो है उसका जो भी एनर्जी है वो कैलकुलेट है, लाइक फीड में इतना प्रोटीन है, इतना ये है, ये है, तो टोटल अमाउंट ऑफ जो कैलोरी है वो तो कैलकुलेटेड है, लेकिन इसके अलावा भी एक्स्ट्रा कैलोरी क्या बनता है, लाइक उनका जो मेटाबॉलिक जो बायोकेमिकल प्रोसेसिंग है, फॉर एग्जांपल उसका जो ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में, देन आफ्टर उसका जो है आपका एसिमिलेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होगा एनर्जी उस दौरान, फिर आपका जो है मेटाबॉलिज्म, इन सारी जो आपको जो फूड के जो बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, ये सारे स्टेप्स में कहीं ना कहीं एनर्जी क्रिएट भी होती है, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम दिस बायोकेमिकल प्रोसेसिंग ऑफ द फूड, ओके। जो डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे आपके एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबोलिज्म, इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो ये भी जो है आपका एनर्जी क्रिएट करता है, और आपका इस तरह से दैट इज कॉल्ड द SDA, ओके। दिस कैन बी डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड ऑक्सीजन कंजप्शन मोर देन 50%। आपका कहा जाता है कि अगर आप फीडिंग दे रहे हो, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को और इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, आप अगर ट्रांसपोर्टेशन के पहले, कहा जाता है 24 आवर्स पहले, ट्रांसपोर्ट जब आप हार्वेस्ट कर रहे हो उसके 24 आवर्स पहले उसकी फीडिंग स्टॉप कर दी जाती है जिस फिशेस को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, क्यों, क्योंकि फीडिंग जो है मेटाबॉलिज्म को और इंक्रीज करती है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो होगा फीडिंग का, फीड का, ये जो है बहुत सारा ऑक्सीजन कंजप्शन करेगी, ठीक है। कहा जाता है कि आप अगर फीडिंग करते हो तो मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करते हो, फीडिंग स्टॉप कर दिया 24 आवर्स पहले, यानी मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस कर दिया, और मेटाबॉलिक रेट के दौरान जो है आपका फीडिंग, जो कि फीडिंग देने पे मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है, इस मेटाबॉलिक रेट के लिए ऑक्सीजन कंजप्शन भी जरूरी होता है, ठीक है। तो जब आपने फीडिंग स्टॉप कर दिया तो ऑटोमेटिक आपने मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस किया, तो मेटाबॉलिक रेट के लिए जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो भी रिड्यूस हो गया, और कहा जाता है कि अगर फीडिंग आप स्टॉप करते हो तो मोर देन 50% जो है ऑक्सीजन कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है 12 से 24 घंटे पहले पैकेज करने से, पैकिंग करने से पहले फिश को जो है भूखा रखा जाता है, यानी फीडिंग स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो? नो मैम। ओके, नाउ आपका डिजोल्व ऑक्सीजन के बाद आता है सैलिनिटी। मान लो बहुत सारे ऐसे फिशेस जो यूरीहेलाइन, स्टीनोहेलाइन वैसे हैं जिनकी सैलिनिटी इंपॉर्टेंट है, सभी तो फ्रेश वाटर में रहेंगे नहीं, तो उस केस में, फ्रेश वाटर वाले में तो दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि 0 PPT पे मेंटेन करना है, ट्रैवलिंग के दौरान भी उसी वाटर में लेके जाना है, लेकिन
जिनकी सैलिनिटी जिनके लिए इंपॉर्टेंट है. सैलिनिटी इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल वेरिएबल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. बहुत सारे केसेस में क्या होता है, सैलिनिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम विल बी आइडेंटिकल टू द सोर्स ऑफ द ऑर्नामेंटल फिशेस. बहुत सारे फिशेस के लिए जो आपका कल्चर करने के लिए उसको जितना है, ठीक है, जितना सैलिनिटी चाहिए उतना ही आपका, मतलब जिसमें उसने उसको कल्चर किया गया था, हार्वेस्ट किया गया, सैलिनिटी जितनी उसकी वहां पे है, ऑब्वियसली जहां पे उसका डेस्टिनेशन है, जहां उसको पहुंचाना है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की सैलिनिटी आइडेंटिकल होनी चाहिए. वन पीपीटी का चेंजेस चलेगा लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, फिर वो सैलिनिटी शॉक हो जाएगा अगर टेम्परेचर, मतलब सैलिनिटी का ज्यादा वेरिएशन हुआ, इसलिए आइडेंटिकल होना चाहिए. मैक्सिमम केयर मस्ट बी टेकन इन अटेम्प्टिंग टू यूज द एडजस्ट द सैलिनिटी विद स्टीनोहलाइन. यूरीहलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो सैलिनिटी टॉलरेंस एबिलिटी है वो वाइड ओवर होता है, लेकिन स्टीनोहलाइन का तो कम है, तो हमें मैक्सिमम केयर ऐसे स्पीशीज में करना होगा जो कि स्टीनोहलाइन है, ठीक है. जनरली वो ज्यादा चेंजेस सैलिनिटी का टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और सर्वाइव नहीं करेंगे, तो उस केस में मॉर्टेलिटी हो जाएगी, ठीक है. यूरीहलाइन स्पीशीज में से ज्यादा केयर हमें स्टीनोहलाइन स्पीशीज का करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा जो है सैलिनिटी वेरिएशन को टॉलरेट नहीं कर पाता. इसलिए कोशिश तो हमेशा यही की जाती है कि आइडेंटिकल रखा जाए, लेकिन अगर 1 डिग्री का 1 PPT का भी अगर चेंजेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे ज्यादातर जब भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने जो काम कर रखा है मैं उससे देती हूँ. मेरे फिशेस में ऐसा हुआ था कि मुझे डिफरेंट सैलिनिटी के ऊपर स्टॉक करना था, 5, 0, 5, 10, 15, 20 PPT, ठीक है. और मैंने पहले तो वो जो रेट तिलापिया लेके गई लेके आई थी वो 0 PPT पे ही रखा था, फ्रेश वाटर पे. फिर उसमें से कुछ जो है, क्योंकि कुछ 0 PPT रखना था, कुछ को 5 पे, कुछ को 10, तो उसको धीरे धीरे एक्लेमेटाइज किया. कुछ को 0 PPT के लिए एसेस रखा, कुछ को जो है उसका 1 PPT धीरे धीरे ड्रॉप वाइज सलाइन सोल्यूशन बनाया मैंने उसको, फिर ड्रॉप वाइज करके जो है 5 PPT, 10 PPT और 15 PPT का जो टैंक मैंने असाइन करके रखा था कि ये 5 PPT का, 10 PPT का, देन 15 PPT का टैंक है. तो उसमें क्या है, अब 5 PPT वाला तो पहले इनिशियली तो 0 PPT होगा, तो उसमें जो वाटर, मतलब पानी जो मैं सलाइन वाटर डाल रही थी, वो एक बैग ही, ऐसा नहीं है कि 5 PPT 0 से 5 PPT डाल दिया, उसको धीरे धीरे ड्रॉप वाइज करके 1 से 2 दिन में 1 PPT इंक्रीज हुआ, फिर 2 से 3 दिन में फिर 2 PPT और इंक्रीज हुआ. तो इस तरीके से उसको 5 PPT तक लेके आए, फिर उसका फिर नेक्स्ट वाले को 10 PPT तक, फिर कुछ और जो अलग से फिशेस रखा था उसका 20. जब वो इसको टाइम लगा, मतलब सबसे ज्यादा टाइम आपको 20 PPT तक उसको लेके आने में लगा होगा, मुझे लगा कि नहीं बताओ. तो 20 PPT तक जो है उसको सबसे ज्यादा टाइम लगा. जब वो 20 PPT तक आ गया, तब तक बाकी 0, 5, 10 PPT एज सच ही रहा. जब तक वो 20 PPT आ नहीं गया, फिर मैंने सबको साथ में स्टॉक किया अलग अलग टैंक में. जब 20 PPT तक जो कुछ फिशेस जो है वो आ गए, फिर मैंने अलग अलग पॉन्ड में 5, 10 जब सारे हो गए तब मैंने स्टॉक किया. तो ऐसा नहीं है कि आपकी सैलिनिटी अगर आप रेज भी कर रहे हो तो 1 to 2 days में 1 PPT इंक्रीज करना चाहिए. अचानक से उसकी सैलिनिटी इंक्रीज करोगे तो इट विल क्रिएट द स्ट्रेस टू देम, और फिर सैलिनिटी शॉक से वो मोर्टिलिटी हो जाएगी. और मेरे साथ हुआ था, मैंने अचानक से, मतलब फर्स्ट टाइम कर रही थी, मुझे ध्यान में नहीं रहा, और मैंने जो है 0 PPT वाले फिश को सीधे 5 PPT में डाल दिया, तो मोर्टिलिटी हो गई, मर गई सारी की सारी, ठीक है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत, क्योंकि हम जब भी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में करते हैं. आजकल तो पॉली बैग है तो उसमें भी स्टॉकिंग हाई करते हैं, मिनिमम स्पेस है, मैक्सिमम स्टॉकिंग डेंसिटी है, वाटर लेवल भी कम है, तो उस हिसाब से क्या होता है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, और वो जो है फिर फिशेस को जो है आपका स्ट्रेस क्रिएट करता है. एट अ कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है कि 40 mg/L के हिसाब से अगर कॉन्सेंट्रेशन CO2 का इंक्रीज हो गया तो इट मे बी द फैटल, वो नुकसानदायक है, मतलब वो एक तरह से एनिमल मरना स्टार्ट हो जाएगा. हाउएवर इट मे ऑल्सो हैव अ माइल्ड सीडेटिव इफेक्ट एट लो लेवल एंड दिस कैन बी बेनिफिशियल, ठीक है. अगर जो है इट मे ऑल्सो हैव अ माइल्ड सीडेटिव इफेक्ट रहता है, अगर इसका लेवल लो रहे तो उसका
अगर सीओ का कॉन्सेंट्रेशन सीओ टू का लो लेवल पर रहता है तो वो एक सीडेटिव माइल्ड सीडेटिव इफेक्ट शो देता है एक तरह से, ठीक है, और वो बेनिफिशियल है. लेकिन अगर हाई जाएगा तो इट विल क्रिएट द मॉर्टलिटी फॉर देम. CO2 जो है, सॉरी यहाँ पे ना थोड़ा प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो गया, मतलब छूट गया है. CO2 है, दैट इज नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कैन बी रिड्यूस इफ एयर बबलिंग इज यूज फॉर ऑक्सीजनेशन एंड कंटेनर इज एडिक्वेटली वेंटेड टू द आउटसाइड. आप CO2 जो है एक्यूमुलेशन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, ऑक्सीजन डाल करके. तो आप चाहो तो एयर बबलिंग कर सकते हो, आप स्प्लैशिंग कर सकते हो, जैसे बड़े बड़े कंटेनर में अगर लेके जाते हो तो स्प्लैशिंग करके ऑक्सीजन ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हो. एट हाउएवर एट हायर डेंसिटी इज इट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन. हाई डेंसिटी पे अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बहुत ज्यादा स्टॉक करके, तो उस जगह थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, इस चीज को मेंटेन कर पाना. नाउ फोर्थ प्रॉब्लम इज अमोनिया. आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है आपका जो है अमोनिया आपका डायरेक्टली और जो है कंटिन्यूसली एक्सक्रीट होता है थ्रू मेनली थ्रू द गेल्स, ठीक है. और अमोनिया लेवल जो है फीकल मैटर से भी डेवलप्ड होता है, ठीक है. तो कोशिश की जाती है कि ये अमोनिया बहुत ही ज्यादा वाटर में सॉल्यूबल है और उसका जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है दैट इज वेरी टॉक्सिक कंपेयर टू द आयनाइज्ड जो कि लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है, और नॉट टॉक्सिक यू कैन से दैट. तो जनरली जो अनआयनाइज्ड अमोनिया है उसका कंसंट्रेशन अगर 1 ppm से अबव हो जाता है तो मॉर्टलिटी स्टार्ट हो जाती है. तो कोशिश की जाती है कि अमोनिया लेवल बहुत ही कम रखा जाए, नील के बराबर रखा जाए. और हायर पीएच लोअर टेम्परेचर जो है ये अनआयनाइजेशन प्रोसेस को और ज्यादा इनहेंस करते हैं और टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं. ऑक्सीजन लेवल लो होगी तो टॉक्सिसिटी और इंक्रीज होगी, ठीक है. और रेट ऑफ अमोनिया एक्सक्रीशन डिपेंड करता है आपने कितना फीडिंग दिया था फिशेज को, आपने फीडिंग स्टॉप किया था कि नहीं. अगर आपने 12 से 24 घंटे पहले फीडिंग स्टॉप नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली ऐसे ही वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान स्ट्रेस में आके ज्यादा फीकल करती है. और अगर आपने फीडिंग नहीं किया होगा तो वो और ज्यादा क्रिएट करेगी. तो वो अमोनिया लेवल फीकल मैटर और प्रोड्यूस होने की वजह से अमोनिया और डेवलप्ड होगा और स्ट्रेस क्रिएट होगा. तो अमोनिया एक्सक्रीशन और किन किन बातों पर डिपेंड करता है, आपका जो डाइट दे रहे हो, जो फीड दे रहे हो उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है, आपका टेम्परेचर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो वाटर टेम्परेचर रख रहे हो वो कितना है, ठीक है. क्योंकि लोअर टेम्परेचर आपका ऑलरेडी कहा कि वो अमोनिया का अनआयनाइजेशन प्रोसेस को ज्यादा, यानी अनआयनाइज जो अमोनिया होगा लोअर टेम्परेचर में ज्यादा होता है तो वो और ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, ठीक है. तो अमोनिया एक्सक्रीशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वाटर टेम्परेचर को कूल करके, ठीक है. और दूसरा कर सकते हैं कि आपका जो है फीडिंग को 12 से 24 घंटे अगर आपने कम कर दिया तो इसका जो गट है उसमें फीड फूड कम होगा तो वो फूड जो है नहीं रहने की वजह से फीकल मैटर कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. बिल्कुल नील तो नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो उसमें से इतनी सारी आपने स्टॉक कर रखी है, हाई डेंसिटी पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो सारी की सारी फिशेस तो है वो ऐसा तो नहीं है कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत जरूर करेगी, लेकिन बिल्कुल नील तो नहीं होगा, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. तो इसलिए हम फीडिंग को 12 से 24 घंटे पहले अगर करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो अमोनिया एक्सक्रीशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा. थर्ड हो गया सस्पेंडेड सॉलिड. अगर सस्पेंडेड सॉलिड है तो वो गिल को, फिश के गिल्स को इरिटेट करेगा, वाटर की क्लियरिटी ऑब्स्क्योर द वाटर, क्लियर वाटर नहीं, तबीट करेगा उसको वाटर को, ठीक है, और कॉज करेगा स्ट्रेस फिशेस को. मेनली जो सस्पेंडेड सॉलिड है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान तो हम पानी तो अच्छा रखते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड वाला पानी तो रखते नहीं है. तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सस्पेंडेड सॉलिड कहाँ से आ सकता है, फीकल मैटर से. ये फीकल मैटर जो है सस्पेंडेड सॉलिड की तरह एक्ट करेगा और वो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है. इसीलिए अगर हम फीडिंग स्टॉप करते हैं 12 से 24 घंटे पहले तो अमोनिया लेवल को ही रिड्यूस नहीं करते बल्कि आपका फीकल जो प्रोडक्शन है उसको भी मिनिमाइज करते हैं. बिकॉज दिस फीकल मैटर एक्ट एज अ सस्पेंडेड सॉलिड विच विल कॉज द इरिटेशन टू द गल और कॉल द मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट द क्लियरिटी ऑफ द वॉटर और जो कि आपका स्ट्रेस कॉज करता है फिशेज में, ठीक है.
इसलिए आपका सिंपल फिल्ट्रेशन के मेथड से आप जो है वाटर को, क्लियर वाटर को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है यूज कर सकते हो आपको फिश को ट्रांसपोर्ट करने के दौरान। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फीडिंग स्टॉप करनी है। नाउ ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हैं जो गौर करने लायक है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। फर्स्ट हो गया आपका क्या, हैंडलिंग, आपको ध्यान रखना है कि कम से कम हैंडलिंग हो, मैकेनिकल स्ट्रेस कम हो, ठीक है। टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर ज्यादा वेरिएशन ना हो, जहां से आप लेके आ रहे हो जहां आप छोड़ रहे हो वहां ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस ना हो, इवन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी टेम्परेचर हाई ना हो ज्यादा, ठीक है। आपका जो है डिजोल्व ऑक्सीजन जो है मेंटेन करके रखना है, ठीक है, वरना वो आपका, और फूड फीडिंग जो स्टॉप करोगे तो उस हिसाब से आपका ऑक्सीजन कंजप्शन भी कम होगा और इनिशियल जो आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है, उसको जो है उसमें स्ट्रेस ज्यादा होता है तो उस समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है कि ऑक्सीजन जो है मिनिमाइज ना हो जाए। अगर कम हो रहा है तो आपको उस हिसाब से स्प्लैशिंग करके, एरेशन करके, ऑक्सीजनेशन करके, जैसे भी करके उसका ऑक्सीजन लेवल जो है इंक्रीज करना है, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेस में ना आए और मॉर्टेलिटी ना हो, ठीक है। उसके बाद होगी सैलिनिटी। अगर वैसी स्पीशीज है जिसके लिए पर्टिकुलरली स्लाइन वाटर चाहिए, कितना पीपीटी चाहिए, आपका सोर्स और डेस्टिनेशन में सेम होना चाहिए, ज्यादा वेरिएशन सैलिनिटी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, उस अगर हो जाता है, थोड़ा होता है तो वो सीडेटिव इफेक्ट देगा, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अबव आपका 40 लेवल हो गया, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, वो मॉर्टेलिटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। देन अमोनिया, अमोनिया जो है और सस्पेंडेड सॉलिड, ये दोनों चीजों को मिनिमाइज हम मैक्सिमम चीजें आप देख सकते हो, अगर हम फीडिंग उसका स्टॉप करते हैं तो ये सारी चीजें बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। नाउ द मेथड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, जनरली जो है 4 स्टेप है, कंडीशनिंग, कंटेनर, आप किस टाइप के कंटेनर को यूज कर रहे हो, कंट्रोल एंड सीडेशन, सीडेशन जिसमें आपके बहुत सारे सीडेटिव या ड्रग्स वगैरह जो है ऐड किए जाते हैं, ठीक है। आपका जो है कंडीशनिंग, कंडीशनिंग जो है बिफोर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट जो है, ऑर्नामेंटल फिशेज आर सब्जेक्टेड टू कंडीशनिंग, पैकेजिंग उसका पैकिंग करने से पहले, ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले उसका कंडीशनिंग करना जरूरी होता है, और वो कंडीशनिंग हम क्या करते हैं, उसको क्लियर रनिंग वाटर में, सेपरेट टैंक में उसका क्लियर रनिंग वाटर में रखते हैं फॉर स्टार्वेशन, मतलब उसको फीडिंग नहीं करते हैं, भूखा रखते हैं सेपरेट टैंक में, और वो क्लियर रनिंग वाटर होता है वो सेपरेट टैंक में, उसमें उसको छोड़ते हैं, और ट्रांसपोर्ट करने से पहले, पहले भी बताया आपको कि 12 से 24 घंटे पहले जो है फीडिंग स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। कंडीशनिंग क्या करेगा, उसका जो स्ट्रेस उसमें आ रहा है उसको लोअर करेगा, उसको मिनिमाइज करेगा, मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि हमने फीडिंग स्टॉप कर दिया है तो, और रनिंग वाटर में दिया तो मेटाबॉलिक रेट को मिनिमाइज करेगा, ऑक्सीजन कंजप्शन जो उसकी इनिशियली स्ट्रेस की वजह से ज्यादा कंजम्पशन करता है उसको मिनिमाइज करेगा, ठीक है। स्टार्विंग, जैसे आप उसको फीडिंग स्टॉप कर देते हो यानी भूखे रखते हो तो उसका क्या होगा, फीकल मैटर कम प्रोड्यूस होगा, तो आपका जिसमें उसको होल्ड कर रहे हो, जिस बैग में उसको, जिस पॉली बैग में डाले हो, जिसमें उसमें वाटर रखे हो, दैट होल्डिंग वाटर का